जोधपुर के राजा थे सवाई सिंह। वहां की प्रजा सुखी थी। राजा के पुत्र समरजीत सिंह का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। युवराज के विवाह को 5 वर्ष बीत गए, परंतु कोई संतान नहीं हुई। राजा सवाई सिंह तथा सारा राज परिवार चिंतित था। एक दिन एक साधु जोधपुर पधारे। राजमाता उनके दर्शन करने गई। साधु ने उनको प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। राजमाता बोली, मुझे अपने जीवन में अब प्रसन्नता की कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है। साधु के पूछने पर राजमाता ने अपने पोते समरजीत सिंह के निसंतान होने की बात बता दी। साधु ने पल भर ध्यान दिया, फिर बोली, आपकी रियासत में मसूरिया नामक एक स्थान है। वहां बाबा रामदेव के गुरु का मंदिर है। मैं भी उनका भक्त हूँ। आप उनको प्रसन्न करें, वह आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। संतान प्राप्ति के पश्चात मंदिर अवश्य जाना। राजमाता ने प्रसन्न होकर साधु को प्रणाम किया और राजमहल की ओर चल दी। संयोग की बात, वर्ष भर के भीतर युवराज की पत्नी सुगंधा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राज्य में खुशियां छा गई। युवराज का नाम रखा गया युद्धवीर सिंह। राजमाता उन्हें प्यार से छंबर बुलाती थी। बड़ी लाड़ प्यार से छंबर का लालन पालन हो रहा था। कई दासियां उसकी सेवा चाकरी में थी। समरजीत सिंह को पालने वाली सावली नामक दाई माँ को छंबर की विशेष देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। छंबर राज परिवार का लाडला था। उसकी छोटी बड़ी हर मांग पूरी की जाती थी, अतः वह जिद्दी हो गया। छंबर 7 वर्ष का सुंदर स्वस्थ बालक था। महल में शिक्षा दीक्षा की सुंदर व्यवस्था थी, पर उसका मन खेल कूद में अधिक लगता था। छंबर के महल के सामने खेलने के लिए सुंदर बगिया थी। महल के पिछवाड़े सेवकों के घर थे। छंबर सेवकों के बच्चों को खेलते देखता तो वह भी उनके साथ खेलने की जिद करने लगता था। महारानी के मना करने पर वह खाना पीना छोड़ देता था। हारकर महारानी ने सेवकों के बच्चों के साथ छंबर को खेलने की अनुमति दे दी। अब छंबर प्रसन्न था। वह सेवकों के बच्चों के साथ खेलता था, अपने आभूषण और पोशाक उतार देता और अन्य साथियों जैसे कपड़े पहन लेता था। धाई माँ सावली निसंतान थी। वर्षों पहले उसके पति का निधन हो गया था, अतः वह महल के बच्चों को अपने संतान समझकर पालती थी। परंतु बड़े होने पर राजकुमारों को धाई माँ की आवश्यकता नहीं रहती थी। धाई माँ का बुढ़ापा नजदीक आ रहा था। उसे अम्मा कहने वाला कोई नहीं था। वह किसी बालक की गोद लेना चाहती थी ताकि वह बालक उसे माँ कहकर पुकारे। उसने अपने मन की बात पुजारी से कह दी। एक दिन पुजारी ने सावली को बुलाया और बोले, मेरे एक मित्र किसना की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। किसना ने दूसरा विवाह कर लिया है। नई पत्नी उसके बेटे जयराम को दुख देती है। इससे किसना बहुत दुखी है। चाहो तो तुम जयराम को गोद ले लो। सावली के मन में आशा की एक किरण फूटी। उसने हाँ कर दी। पुजारी ने उसे जयराम के घर भेज दिया। सावली ने जयराम को गोद ले लिया। जयराम सावली को अपनी माँ की तरह प्यार करने लगा। छंबर और जयराम हम उम्र थे, दोनों साथ साथ खेलते हुए बड़े हो रहे थे। सावली के जीवन में भी जयराम के आ जाने से खुशियां छा गई थी। एक दिन राजमाता ने महारानी से उल्हाना किया, बहुरानी छंबर सेवकों के बच्चों के साथ खेलता है। वह वैसे ही कपड़े पहनता है। उसे राजसी पोशाक और आभूषण पहने तो काफी समय गुजर गया। कल दीपावली के दिन तो छंबर को राजकुमारों से सजा दो। जब रात में छंबर ने अपनी माँ से कहानी सुनने की जिद की तो महारानी बोली, यदि कल तुम मेरी इच्छा के अनुसार पोशाक और आभूषण पहनो तो मैं तुम्हें हर रात रोचक कहानी सुनाऊंगी। छंबर प्रसन्न हो गया। कहानी के सपने देखते हुए मीठी नींद में सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल महारानी ने पुरानी पेटी खोली। उसमें से उन्होंने छंबर के पिता और दादा के बचपन के कीमती छोटे छोटे जेवर और सुंदर पोशाकें निकाली। उन्हें सोने के थाल में सजाया। एक थाल में बादाम पिस्ते की मिठाइयां रखी।
फिर सावली ने से बोली, यह सब तुम्हारी लाडले के लिए है। थाईमानी महारानी की ओर देखा, मानो पूछ रही हूँ, महारानी राजकुमार तो यह सब पहनता नहीं है, क्या करे इन अनमोल वस्तुओं का। महारानी बोली, आज दीपावली का शुभ दिन है। धाइमा ठगी सी खड़ी थी। 12 बजे के लगभग एक अनोखी घटना घट गई। 4 सिपाही 55 बरस की एक औरत को पकड़कर ला रहे थे। औरत के हाथ में पोटली थी। सिपाही ने औरत को कोतवाल के सामने पेश किया। सिपाही बोला, हुजूर यह औरत एक पोटली और बालक को लेकर भाग रही थी। पोटली में से हीरो का हार गिरते हुए देखा तो हमने औरत को पकड़ लिया। पोटली में कीमती पोशाक और जगमगाते जेवर है। कोतवाल के सामने औरत निडरता से बोली, मुझे महाराज के सामने ले चलो। दरबार लगा था। अमीर उमराव सरदार सभी बैठे थे। लक्ष्मी पूजन की तैयारियां हो रही थी। तभी कोतवाल ने औरत को महाराज के सामने खड़ा किया। कहा, महाराज यह इस बच्चे के साथ जेवर चोरी करके भाग रही थी। पकड़े जाने पर आपके सामने पेश होने की धौंस दिखा रही थी, अतः मैंने इसे आपकी सेवा में हाजिर कर दिया है। महाराज ने औरत को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। बोले, धाइमा तुम, यह बालक कौन है? तुमने चोरी की? अंदाता, मैंने चोरी नहीं की है। यह बालक मेरा दत्तक पुत्र है। मैंने महारानी की आज्ञा का पालन किया है। मैं बेकसूर हूँ। महाराज ने पूछा, महारानी की आज्ञा क्या थी? धाइमा बोली, महारानी ने मुझे आभूषण पोशाक और पकवान दिए। उन्होंने आज्ञा दी कि मैं सबसे अधिक लाडली और सुंदर बेटी को सजा दूं। और जब मैं बगिया में गई तो अनेक बालकों के बीच मुझे मेरा यह बेटा ही सबसे लाडला न्यारा प्यारा और सुंदर दिखाई पड़ा। मैंने महारानी की आज्ञा का पालन किया है। महाराज का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उनका हाथ म्यान पर जा टिका। तभी दीवान जसरूप अजीसा कांकरिया खड़ी हो गई। झुककर मुजरा किया। बोली, हुजूर एक साधारण सी दासी के लिए आप तलवार क्यों उठाते हैं? मैं हाजिर हूँ। फिर उन्होंने तलवार निकाली। बोली, गद्दार औरत जिस थाली में तुमने खाया उसी में छेद कर दिया। बोलो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? धाइमा बोली, मुझे तलवार के घाट उतारने से पहले महारानी से जवाब तलब कर लिया जाए। पर्दे की ओर से महारानी ने कहलाया, धाइमा सच बोल रही है, परंतु लालच के कारण उसने मेरी आज्ञा का दुरुपयोग किया है। महाराज ने जसरूप अजीसा से पूछा, आपकी क्या राय है? पर इसके उत्तर में जसरूप अजीसा ने चुप्पी साध ली। वह धरती की ओर ताकने लगी। महाराज मुस्कुरा दिए, बोले, निडर होकर अपनी राय दे, मैं आपको अभिदान देता हूँ। जसरूप अजीसा बोली, महाराज आपके और महारानी के एक शब्द में मृत्यु और दूसरे शब्द में जीवन जुड़ा हुआ है। महारानी की आज्ञा इस पर नहीं थी। महारानी की आज्ञा राज आज्ञा है। हर माँ की नजर में उसका पुत्र ही सबसे न्यारा और सुंदर होता है। यह अटल सत्य है, इसे कोई भी राज आज्ञा बदल नहीं सकती। महारानी की नजर में क्षणवर सबसे सुंदर है, जबकि धाई माँ ने अपने दत्तक पुत्र जयराम को सबसे सुंदर माना। महारानी ने जो सामान उसे दिया वह सब उसने जयराम को दे दिया। महारानी को केवल यह हुक्म देना था, यह सब मेरे पुत्र छंबर के लिए है। महारानी सब सुन रही थी। उन्होंने दासी द्वारा संदेश भिजवाया, धाई माँ को क्षमा कर उन्हें मेरी सेवा में हाजिर किया जाए। राजा ने महारानी के बात मान धाई माँ को उनके पास भेज दिया।